धारा 370 उच्छेद को कायम रखा निष्पत्ति को ऐतिहासिक कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर प्रधानमंत्री कहते सुप्रीमकोर्ट रायर अर्थ 5 अगस्त 2019 निष्पत्ति संपूर्ण ठीक यह निष्पत्ति जम्मू काश्मीर आम भाई भर विकास कायम रखि अखंड भारत नहीं नुआ बार्ता देखते कोर्ट जम्मू काश्मीर और लद्दाखर बासिंदा केन्द्र सरकार देखिता समस्त स्वप्न निश्चय पूरण होटर उल्लेख कर प्रधानमंत्री आज राय केवल ऐतिहासिक नुहे यह जम्मू काश्मीर और लद्दाख पर नुआ आशार किरण सृष्टि कर प्रधानमंत्री धारा 370 उच्छेद कायम करा जाएगी धारा 370 अस्थायी व्यवस्था रही एक सुप्रीमकोर्ट कहते कि धारा को वर्तमान समय कायम कर जम्मू काश्मीर को नहीं राष्ट्रपति ये हूँ बड़ बृत्ति जम्मू काश्मीर भारत संविधान एथरक चलो एक सुप्रीमकोर्ट कहते जम्मू काश्मीर भारत अभिन्न अंग एक सीजेआई कहते केन्द्र सरकार निष्पत्ति प्रश्न कर ठीक नुह देखते हुए उनकी तकलीफ देखते हुए जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया दुकानदारों को बोला गया उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो हमें घरों में नजर बंद किया गया वर्कर्स को थानों में बंद किया गया तो इससे डरने की जरूरत नहीं है इससे घबराने की जरूरत नहीं है मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया ये बात यहां रुकने वाली नहीं है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी जो हमारा संविधान है बड़ा संविधान है जो तिरंगा है जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूं मेरे भाइयों मेरे बच्चों मेरी बहनों हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी सूरत में नहीं कोई फैसला अटल नहीं होता चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफस हासिल करने के लिए हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूं कि आप दिल में नाउमीदी शिकस्त को जगह नहीं देंगे बल्कि उम्मीद के साथ एक नई उम्मीद के साथ एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका धारा 370 उच्छेद को नहीं गुरुत्वपूर्ण राय वर्तमान समय सामना को आसी केन्द्र सरकार निष्पत्ति को कायम रखुचंते सुप्रीमकोर्ट सुप्रीमकोर्ट ए राय ऐतिहासिक बोली प्रधानमंत्री ट्वीट कर